नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीडएक्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं जो कॉमिक्स आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है नर्क के ठेकेदार, और ये कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है नर्क के ठेकेदार। नर्क के ठेकेदार, चित्रांकन राम वायरकर, लेखक असीत चटर्जी। हेलो, संजय स्पीकिंग। संजय बेटे, मैं डॉक्टर मलकानी बोल रहा हूँ, तुम फौरन मेरे यहाँ चले आओ। बात क्या है अंकल? ये मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता, तुम फौरन चले आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। किसका फ़ोन था? डॉक्टर मलकानी अंकल का, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है। ठीक उसी समय। छन छनैक, आह उफ। संजय, अभी सलीम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और पत्थर शीशा तोड़कर कमरे में आ गिरा। मैं अभी पत्थर फेंकने वाले को मजा चखा कर आता हूँ। कुछ पल बाद, ठहर जा बदमाश, तेरी ये जरूरत कि हमारे घर पर पत्थर फेंके? तभी अगले पल तड़ैक, तत्पश्चात सलीम ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। ढिशुम, आह तड़ाक, आई। सलीम शायद उसे मार ही डालता यदि ऐन वक्त पर संजय ने वहां पहुंचकर सलीम को रोक ना लिया होता। बस करो सलीम, क्या उसे मार ही डालोगे? मुझे छोड़ दो संजय भैया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आह, होश में आओ सलीम, पुलिस इससे खुद निपट लेगी। हाँ हाँ, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे जेल भेज दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों के सिर फोड़ दूंगा। मुझे तो ये कोई सरफिरा नजर आता है। लेकिन अगले पल कुछ सोचकर, कौन हो तुम? तुम जेल क्यों जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे घर के शीशे तोड़े हैं, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है, अब तुम जा सकते हो। ओह, तो तुम लोग भी मेरी मदद नहीं करोगे? कहने के साथ ही भिखारी उठकर निराशा की हालत में सिर झुकाकर वहां से चल दिया। इस फकीर की पत्थर फेंकने वाली हरकत के पीछे मुझे कोई रहस्य छुपा नजर आ रहा है। तुम इसका पीछा करो और पता लगाओ कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कहाँ रहता है। मैं मलकानी अंकल से मिलने के बाद तुमसे संबंध स्थापित करूँगा। ठीक है, कहने के साथ ही सलीम फकीर के पीछे चल दिया और संजय कोठी में वापस लौट गया। अगले पल सड़क पर खड़ी कार में बैठे दो आदमियों में से एक ने पॉकेट ट्रांसमीटर पर अपने अज्ञात बॉस से संबंध स्थापित किया। अब हमारे लिए क्या आदेश है बॉस? राणा, तुम शंकर को सलीम के पीछे भेज दो, वो उस पर नजर रखेगा और उसकी हर गतिविधि की जानकारी मुझे देते रहना। ठीक है बॉस। और मैं? तुम संजय के पीछे जाओ और पता लगाओ कि वो डॉक्टर मलकानी से क्यों मिलने जा रहा है। तुम दोनों को बहुत होशियारी से काम लेना है, तुम्हारी जरा सी भी गफलत हमारी मौत का कारण बन सकती है। आप निश्चिंत रहिए बॉस, ओवर एंड आउट। इतना कह चालक ने संबंध विच्छेद कर अपने साथी को सलीम के पीछे भेज दिया। तत्पश्चात वो संजय के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद संजय जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर डॉक्टर मलकानी के निवास की ओर चला, उस आदमी ने भी कार उसके पीछे लगा दी। संजय को पीछा किए जाने का आभास ना हो पाया था। डॉक्टर अंकल की आवाज में व्याप्त बेचैनी से तो यही जाहिर होता था कि बात कोई खास ही है। लगभग आधे घंटे बाद, अब बताइए अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। संजय के बैठते ही डॉक्टर मलकानी अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालकर टेबल पर रखते हुए बिना किसी भूमिका के बोले, मैं ये पैकेट तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ। क्या है इसमें? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, दरअसल ये पैकेट मेरा नहीं है। कुछ देर पहले अस्पताल जाने के लिए जब मैंने अपना कोट पहना तो ये पैकेट मुझे इस कोट की जेब में मिला था। ओह, तब डॉक्टर ने कोट की जेब से एक चिट निकालकर संजय की तरफ बढ़ाई। पैकेट के साथ ये चिट भी मुझे जेब से मिली थी। क्या लिखा है इस चिट में? खुद ही पढ़ लो। मेहरबानी करके ये पैकेट पुलिस के उच्चाधिकारी के पास पहुंचा दें। आश्चर्य है, किसी ने यह पैकेट आपकी जेब में क्यों रखा? वो खुद भी तो इसे पुलिस तक पहुंचा सकता था। हाँ, इसी विचार ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया था, इसलिए मैंने पुलिस के पास जाने की बजाय तुम्हें यहाँ बुलाया। मुझे डर था कि कहीं किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये चाल न चली हो। आपने ठीक ही किया,
पर अब आप अपनी याददाश्त पर जोर डालकर ये याद करने की कोशिश कीजिए कि कल आपके आसपास कौन लोग थे और कोर्ट में पैकेट डालने की हरकत आपके साथ कौन कर सकता था। याद आया, परसों रात जब मैं अस्पताल से निकलकर पार्किंग की ओर जा रहा था तो अचानक एक भिखारी टाइप आदमी मुझसे टकराया था और इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो भागता हुआ मेरी नज़रों से ओझल हो गया था। ओह, उस भिखारी का हुलिया तो आपको याद होगा। डॉक्टर मलकानी ने जब भिखारी का हुलिया बयान किया तो संजय बुरी तरह चौंक उठा। ओह, हो न हो, ये वही आदमी था। कौन आदमी? क्या तुम उस भिखारी को जानते हो? जानता तो नहीं, पर बहुत जल्द उसके बारे में सब कुछ जान जाऊंगा। तत्पश्चात संजय पैकेट उठाकर अपनी जेब के हवाले करता हुआ बोला, अब मैं चलता हूं अंकल। ठीक है, पर बेटे इतना ख्याल रखना कि मैं किसी झंझट में ना पड़ जाऊं। आप बेफिक्र रहिए अंकल, आप पर कोई आंच नहीं आएगी। डॉक्टर मलकानी को आश्वासन दे संजय वहां से वापस चल पड़ा। संजय के वहां से जाते ही खिड़की की ओट में खड़ा आदमी वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद, बॉस, जिस चीज की हमें तलाश थी अब वो संजय के पास है। क्या बकते हो राणा, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बॉस, मैंने उन लोगों की सारी बातें सुनी हैं। उस पत्रकार ने हमें चकमा देकर फोटोग्राफ्स और रील एक पैकेट में पैक करके डॉक्टर मलकानी की जेब में डाल दी थी। ओह, इसका मतलब हम उस पत्रकार के पीछे बेमतलबी समय बर्बाद करते रहे। अब मेरे लिए क्या आदेश है बॉस? राणा, तुम संजय का पीछा करो और जैसे भी हो वो पैकेट हासिल करो। मैं उस पत्रकार का इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है बॉस, ओवर एंड आउट। तत्पश्चात राणा ट्रांसमीटर ऑफ कर अपनी कार की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो संजय का पीछा कर रहा था। संजय पीछे आ रहे खतरे से बेखबर अपनी सोचों में गुम था। पैकेट में क्या चीज हो सकती है? आखिर भिखारी उसे पुलिस तक क्यों पहुंचाना चाहता है? मुझे पैकेट खोलकर देख लेना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते ही संजय ने मोटरसाइकिल रोक दी। फिर उसने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया था कि अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना पैकेट खोलने की भूल मत कर संजय, हो सकता है इसमें विस्फोटक पदार्थ रखा हो। तभी संजय अचानक बुरी तरह चौंक उठा। ओह, खतरा! खतरे का आभास होते ही संजय ने मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी। अपना वार खाली जाते देख राणा ने धीरे से ब्रेक का पैडल दबाकर बड़ी कुशलता से कार का रुख संजय की तरफ मोड़ दिया। ओह, परंतु इससे पहले कि कार संजय को रौंदती हुई गुजर जाती, अगले पल फट 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 कुछ दूर जाकर संजय ने पीछे मुड़कर देखा। कार को पीछे न आते देख उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है आज बाल बाल बच गया, पर वो कार चालक मेरी जान क्यों लेना चाहता था? एकाएक ही उसकी सोचों में उसके सवालों का जवाब उभर आया। हो सकता है वो उस पैकेट को हासिल करना चाहता हो जो डॉक्टर अंकल ने मुझे दिया है, पर उसे ये कैसे पता चला कि वो पैकेट मेरे पास है? ओह, हो सकता है अपराधी को भिखारी की डॉक्टर अंकल के कोर्ट में पैकेट डालने वाली हरकत पर शक हो गया हो और उसने अपना आदमी डॉक्टर अंकल की निगरानी पर तैनात कर रखा हो। जरूर ऐसा ही हुआ होगा, वरना मुझ पर वो जानलेवा हमला कदापि नहीं होता। इसका मतलब है भिखारी की जान को भी खतरा है, मुझे सलीम को कॉल करके सतर्क कर देना चाहिए। इस निश्चय पर पहुंचते ही संजय ने मोटरसाइकिल ढलान पर उतार दी और झाड़ियों की आड़ में पहुंचकर रुक गया। तत्पश्चात वो अपने घड़ीनुमा ट्रांसमीटर पर सलीम को कॉल करने लगा। जल्दी घड़ी के डायल में फिट माइक्रोफोन पर सलीम की आवाज उभरी। हेलो सलीम, रिपोर्टिंग ओवर। संजय कॉलिंग, रिपोर्ट ओवर। मैं बराबर भिखारी पर नजर रखे हुए हूँ, वो हेली रोड की तरफ जा रहा है, मैं उससे एक फरलांग की दूरी पर हूँ, ओवर। मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, तुम उस भिखारी को रोकने की कोशिश करो, वो किसी भी हालत में भागने ना पाए, ओवर एंड आउट। कहने के साथ ही संजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। उधर संजय का आदेश मिलते ही सलीम ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। धीरे धीरे फासला कम होने लगा, परंतु जब तक सलीम भिखारी के करीब पहुंच पाता वो मेन रोड पार कर चुका था। सलीम तेजी से भिखारी की तरफ लपका, लेकिन तभी एक ट्रक ने भिखारी को उड़ा दिया। पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहे हैं। कुछ दूर जाकर ट्रक अचानक रुक गया। भीड़ ने ट्रक को घेरते हुए ट्रक चालक को बाहर खींच लिया। निकल साले, अंधा होकर गाड़ी चलाता है, मारो साले को। उधर भीड़ चालक पर गुस्सा उतार रही थी। इधर ट्रक की दूसरी तरफ की खिड़की खोलकर एक आदमी तेजी से उतरा और विपरीत दिशा की ओर चल पड़ा। उसके ट्रक से उतरते ही सलीम की उस पर नजर पड़ गई। ओह, ये तो खतरनाक बदमाश काली दादा है,
वो ट्रक में क्या कर रहा था? जरूर दाल में कुछ काला है, पर मुझे इसके पीछे जाने की बजाय यहीं रुककर संजय के पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। काली दादा को तो हम कभी ना कभी ढूंढ ही निकालेंगे। ये सोच सलीम सड़क से हटकर एक ऐसे स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां से वो भिखारी की लाश और वहां आने जाने वाले हर आदमी पर नजर रख सकता था। थोड़ी देर बाद संजय घटनास्थल पर पहुंच गया। ओह, ये तो उसी भिखारी की लाश है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? जानता तो नहीं हूं, अलबत्ता एक बार मिल जरूर चुका हूं, और अब इस आदमी के बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, जैसे ही मुझे इस विषय में जानकारी मिलेगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि मामला क्या है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतना कह संजय मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा, परंतु अभी वो कुछ ही फासला तय कर पाया था कि धड़ाक। ओह, फिर इससे पहले कि संजय संभल पाता वो संजय से माफी मांगते हुए भीड़ में समा गया। अजीब आदमी है। तभी अचानक कुछ सोचकर संजय का हाथ अपनी जेब में रेंग गया। ओह, पैकेट गायब है, यानी वो आदमी उस पैकेट को हथियाने के लिए ही जानबूझकर मुझसे टकराया था। खैर, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। फिर संजय ने उस आदमी की तलाश में उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु वो उसे कहीं नजर नहीं आया। उफ, बहुत बड़ी चूक हो गई, समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। तभी संजय को ट्रक ड्राइवर का ख्याल आया, अतः वो वापस डंडाराम की ओर चल पड़ा। अब तक वहां मौजूद भीड़ छट चुकी थी और इंस्पेक्टर डंडाराम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद जाने की तैयारी कर रहा था। क्या बात है संजय बेटे, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। अंकल, मैं ट्रक ड्राइवर से कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, पर तुम उससे पूछना क्या चाहते हो? वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है। मैं उससे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उसने किसके कहने पर भिखारी की जान ली है। वॉट, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि भिखारी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है? जी हाँ। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, और तुम थाने में आओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू अंकल। उधर राणा घटनास्थल से काफी दूर निकल आया था। अब कोई खतरा नहीं है, मुझे सौंपा गया काम पूरा हो गया है, मुझे बॉस को सूचित कर देना चाहिए। ये सोच राणा ने ट्रांसमीटर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला ही था कि कार रोक दे, वरना एक ही झटके में गर्दन तोड़ दूंगा। कौन हो तुम? तेरी मौत। मौत का नाम सुनते ही राणा ने घबराकर कार रोक दी। क्या चाहते हो तुम? वो चीज जो तूने संजय भैया की जेब से उड़ाई है। तुम्हें भ्रम हुआ है, मैं कोई जेब कतरा नहीं हूं, मैं एक शरीफ आदमी हूं। मैं देख चुका हूं कि तू कितना शरीफ है, चुपचाप वो चीज मेरे हवाले कर दे, वरना। कहने के साथ ही सलीम ने मफलर का कसाब उसकी गर्दन पर बढ़ा दिया। ठहरो। तत्पश्चात राणा ने अपनी जेब से पैकेट निकालकर सलीम के हाथ में थमा दिया। सलीम पैकेट जेब के हवाले करते हुए बोला, तू क्या समझता था तेरी हरकत पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब तू ये बता, तूने ये गलती किसके कहने पर की है, और तेरा उस भिखारी से क्या संबंध है? कौन भिखारी? मैं किसी भिखारी को नहीं जानता। मैं जानता हूं तू आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, तुझ पर सख्ती बरतनी पड़ेगी। कहने के साथ ही चट, राणा बेहोश हो सीट पर लुढ़क गया। तब सलीम ने मफलर से उसके हाथ पीठ की तरफ बांधकर उसे पिछली सीट पर धकेल दिया और स्वयं चालक सीट पर आ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी घूम रही थी। उधर संजय ट्रक चालक को चेतावनी देता हुआ बोला, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, सच सच बताओ, तुमने उस भिखारी की जान क्यों ली? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैंने जानबूझकर उसकी जान नहीं ली है, वो अचानक ही ट्रक के सामने आ गया था और मैं ब्रेक नहीं लगा सका था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चाहते तो भिखारी की जान बच सकती थी। कैसे चाहता, मेरे सिर पर मौत जो खड़ी थी। ट्रक चालक संजय के शब्द जाल में फंसकर सच उगल बैठा। यानी कि तुम्हें भिखारी को कुचल डालने के लिए मजबूर किया गया था, तुम्हें धमकी दी गई थी। इस बार ट्रक चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो? मैं वादा करता हूं तुम्हारे हमारे बीच में हो रही बातचीत का किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं तुम्हें सजा से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, परंतु अगर तुमने सच्चाई बयान नहीं की तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। तब ट्रक चालक सच्चाई बयान करते हुए बोला, मैं चुंगी पर गाड़ी रोककर टैक्स अदा करने गया था, जब वापस लौटा तो मेरी बगल वाली सीट पर पहले से एक आदमी बैठा था।
कौन है तू? ट्रक में कैसे चढ़ गया? चल उतर नीचे। इस पर रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर तानते हुए बोला, चुपचाप गाड़ी चलाओ, अगर चू चपड़ की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओह, मैं उसका हुक्म मानने के लिए मजबूर हो गया। फिर वो जिधर कहता मैं ट्रक का रुख उधर ही मोड़ देता। और जैसे ही हम हैली रोड पर पहुंचे, वो भिखारी अचानक सड़क पर आ गया। मैं अभी ब्रेक लगाना ही चाहता था कि उसकी कड़कदार आवाज मेरे कानों में टकराई, खबरदार ब्रेक लगाने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। और फिर घबराहट में मेरा पैर ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पड़ गया। फिर जब तक मैं अपनी गलती सुधारता, भिखारी कुचला जा चुका था। ट्रक के रुकते ही उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस के सामने उसका जिक्र किया तो वो मेरी बीवी बच्चों को मार डालेगा, इसलिए मैं अब तक खामोश था। घबराओ नहीं, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी तुम्हारी रिहाई का इंतजाम कर दूंगा। जब संजय घर पहुंचा तो सलीम पहले से ही वहां मौजूद था। तुम आ गए संजय भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सलीम तुम कहाँ रह गए थे? जानते हो तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो भिखारी जान से हाथ धो बैठा था। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी लापरवाही पर खिसियाए हुए हो। क्या मतलब? तब सलीम पैकेट संजय के सपोर्ट करता हुआ बोला, क्या ये वही पैकेट नहीं है जो तुम्हारी जेब से गायब हो गया था? हाँ ये वही है, पर तुम्हारे पास कैसे आया? मैं दुर्घटना स्थल के पास ही मौजूद था। मैंने एक आदमी को तुमसे टकराते और तुम्हारी जेब पर हाथ साफ करते देखा तो उसके पीछे लग गया। वो जब कार में जाकर बैठा तो मैं भी कार का दरवाजा खोल अगली सीट व पिछली सीट के बीच में दुबक गया और उसे पता भी नहीं चला। ओह, तत्पश्चात सलीम ने अपनी रिपोर्ट विस्तार से संजय को सुना दी। तब संजय भी अपने साथ घटी घटनाओं की जानकारी देने के बाद प्रसन्न स्वर में बोला, तुमने काबिले तारीफ काम किया है, वो आदमी कहाँ है? मैंने उसे गुप्त कक्ष में बंद कर रखा है। गुड, पहले इस पैकेट में छुपे रहस्य की जानकारी हासिल करते हैं, फिर उस आदमी से पूछताछ करेंगे। ठीक है। तत्पश्चात, ओह लगता है इस कैमरे की रील और कैसेट में अपराधी के विषय में पूरी जानकारी है, तभी तो अपराधी इस पैकेट को हासिल करने के लिए भिखारी और तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया था। पर ये चीजें उस भिखारी के हाथ कैसे लग गई? आखिर वह भिखारी कौन था? तुम्हारे सवालों का जवाब इन दोनों चीजों की जांच के बाद ही मिल सकता है। परंतु कैसेट और रील की जांच के बाद संजय सलीम के चेहरों पर निराशा के भाव उभर आए थे। हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुझे तो दाल में कहीं काला नजर आता है। इस खाली कैसेट और रील के लिए अपराधी भिखारी की जान कदापि नहीं ले सकता था। मैं भी यही सोच रहा हूं, हमें बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन अपराधी को यह नहीं मालूम है कि उसका एक आदमी हमारी कैद में है और दूसरा आदमी काली दादा भी हमारी नजर में आ चुका है। उन दोनों की मदद से हम अपराधी तक पहुंच सकते हैं। यू आर राइट, आओ उस आदमी से पूछताछ करते हैं। चलो। कुछ ही देर बाद, बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? कौन बॉस? मैं किसी बॉस को नहीं जानता। राणा के इनकार करते ही सलीम की लात घूम गई। तड़ाक। ओह ढिशुम, हाय मर गया। जल्दी ही राणा टूट गया। बताता हूं, जो पूछोगे मैं बताऊंगा, पर मुझे मारो मत। तो बता, तूने संजय भैया पर हमला क्यों किया? उस पैकेट को तू क्यों हासिल करना चाहता था? भिखारी की हत्या किसने की? मैं काली दादा का आदमी हूं, मैंने जो किया उसी के कहने पर किया। वो उस पैकेट को हर हालत में पाना चाहता था। अगर मैं वो पैकेट उसके पास पहुंचा देता तो वो मुझे 10,000 रुपये इनाम में देता। लेकिन भिखारी की हत्या क्यों की गई? पहले काली दादा का ख्याल था कि पैकेट उस भिखारी के पास है, पर जब मैंने उसे बताया कि पैकेट तुम्हारे पास है तो भिखारी उसके लिए किसी काम का नहीं रह गया था। राणा का जवाब सुन संजय गहरी सोच में डूब गया। आखिर काली दादा उस पैकेट को क्यों हासिल करना चाहता है? अगर उसे मालूम होगा कि कैसेट और रील खाली है तो वह हरगिज इतना रिस्क नहीं लेता। जरूर उसके ऊपर कोई तीसरा आदमी है जो काली दादा को अपने इशारे पर नचा रहा है, और उस तीसरे आदमी तक पहुंचने के लिए हमें काली दादा का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर एकाएक ही संजय के मस्तिष्क में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। वो राणा से बोला, देखो राणा, वो पैकेट हमारे पास है और हमें पैसों की जरूरत है। अगर तुम हमारी बात मान जाओ तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। मैं समझा नहीं? मैं समझाता हूं। और फिर संजय राणा पर अपने शब्दों का जाल फैलाता चला गया। थोड़ी देर बाद राणा काली दादा का नंबर डायल कर रहा था। संबंध स्थापित होते ही वो बोला, बॉस मैं राणा बोल रहा हूं, वो पैकेट मेरे पास है।
तू कहां मर गया था राणा? अब तक वो पैकेट तूने मेरे पास क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि अब मुझे उस पैकेट की असली कीमत का पता चल चुका है। क्या बकरा है तू? शायद तुझे अपनी जान का मोह नहीं रहा। मत भूल कि काली दादा से गद्दारी करने वाले को कुत्ते की मौत नसीब होती है। जान प्यारी है तो वो पैकेट मेरे पास पहुंचा दे। अगर तुम्हें वो पैकेट चाहिए तो आज रात 9 बजे 20,000 रुपए लेकर पुराने किले के खंडर पर चले आना। इतना कहने के साथ ही राणा ने रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। उम्मीद के मुताबिक संजय सलीम ने काली दादा को सही समय पर पुराने किले के खंडर में पहुंचते देखा तो उनके चेहरे खिल उठे। वो आ पहुंचा है संजय भैया। उधर काली दादा राणा के पास पहुंचते ही गुर्राया, पैकेट कहाँ है? मेरे पास है। कहने के साथ ही राणा ने पैकेट जेब से निकाल लिया, फिर बोला, ये रहा तुम्हारा माल, अब मेरा माल निकालो। हुंकार भरते हुए काली दादा ने अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डाल दिया था। अगले पल जैसे ही उसका हाथ जेब से बाहर आया, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जैसे गद्दारों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूं हरामजादे। दूसरे ही पल धाए राणा वहीं ढेर हो गया। फिर काली दादा को जमीन पर पड़ा पैकेट उठाकर वहां से जाते देख सलीम हौले से बोला, मैं तो कहता हूं यही मौका है, उसे इसी समय रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। नहीं सलीम, काली दादा को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके सरपरस्तों को पकड़ना है और इसके लिए काली दादा का आजाद रहना बहुत जरूरी है, वही हमें असली मुजरिम तक पहुंचा सकता है। तत्पश्चात संजय सलीम काली दादा के पीछे हो लिए। लेकिन काली दादा खंडर से निकलकर जैसे ही बाहर खड़ी अपनी कार के निकट पहुंचा, कार के अंदर बैठे साय ने उसे गोली का निशाना बना दिया। धाए काली दादा के जमीन पर ढेर होते ही वो साया कार से उतरा और पैकेट उठाकर वापस कार में जा बैठा। थोड़ी देर बाद कार वापस जा रही थी, परंतु उसमें बैठा साया इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ था कि संजय सलीम उसका पीछा कर रहे थे। मलकानी नर्सिंग होम के पिछवाड़े एक प्लेटफॉर्म नुमा स्थान पर उस साय ने कार रोक दी। कार के रुकते ही प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे धसते हुए जमीन के गर्भ में समाता चला गया। संजय सलीम लपक कर उस स्थान के निकट पहुंच गए जहां कार ओझल हुई थी। ओह, फिर कार के ओझल होते ही, मुझे पूरा विश्वास है कि यहां अपराधियों ने अपना गुप्त अड्डा बना रखा है। तुम फौरन जाकर डंडाराम अंकल से मिलो और सारी बात बता दो। ठीक है, पर तुम? मैं नीचे जाकर अपराधी की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूं। नहीं संजय भैया, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। बहस मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जाओ सलीम, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के साथ ही सलीम वहां से चल दिया। तभी प्लेटफॉर्म वापस अपनी जगह पर आ गया। संजय जब नीचे पहुंचा तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। हा हा हा, ये आवाज तो इसी तरफ से आ रही है। दूसरे ही पल वो आवाज का पीछा करते हुए गैलरी में बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद, ओह, काली दादा की मौत के साथ ही हम तक पहुंचने का हर रास्ता बंद हो चुका है साथियों। अब हमें किसी का डर नहीं रहा। हम 15 तारीख को नेशनल पार्क में होने जा रही सर्वदलीय बैठक में ऐसा धमाका करेंगे कि सारा हिंदुस्तान स्तब्ध रह जाएगा। एक भी नेता जिंदा नहीं रहेगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हा हा हा, लेकिन बॉस हमें भी तो पता चले इस पैकेट में क्या है। इस पैकेट में एक खाली ऑडियो कैसेट और कैमरे की ब्लैंक रील है। ओह, तो फिर इन बेकार की चीजों को पाने के लिए आप इतना परेशान क्यों थे? आपको इतना रिस्क नहीं उठाना चाहिए था बॉस। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाती तो हमारे विदेशी मित्र हमारी जान के दुश्मन बन जाते। ये रिस्क हमने बेवजह नहीं लिया था दोस्तों। दरअसल हमें डर था कि कहीं असली रील और कैसेट पुलिस के हाथ में ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाता तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते और हमारे विदेशी मित्रों की स्कीम कभी कामयाब नहीं हो पाती। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये असली और नकली का क्या चक्कर है? ये राज मैंने अब तक तुम लोगों पर जाहिर नहीं किया था, पर आज जाहिर करता हूं। फिर नकाबपोश विस्तार से बताने लगा। आज से 10 रोज पहले जब मैं और मेरे साथी पड़ोसी मुल्क से भेजी गई हथियार और बारूद की खेप मोटर बोट से उतरवा रहे थे तो ये पत्रकार विनोद पांडे न जाने कहां से वहां पहुंच गया। उसने हमारी तस्वीरें खींच ली। यही नहीं, उसने मेरी और मेरी टीम के बीच हुई बातचीत भी सुन ली थी। डॉक्टर, नेशनल पार्क में बारूद का जाल बिछा दो, जोरदार धमाका होना चाहिए, एक भी नेता ना बचने पाए। ऐसा ही होगा मिस्टर टिम। याद रखो, अगर ऐसा नहीं हुआ
तो तुम और तुम्हारे साथियों का काम तमाम कर दिया जाएगा। तभी मेरी नजर विनोद पांडे पर पड़ गई। ओह विनोद पांडे, तू यहां? ओह, खतरा भांपते ही वो भाग खड़ा हुआ। मैंने काली दादा और उसके साथियों को उसके पीछे लगा दिया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। काली दादा और उसके साथी उसे शहर के चप्पे चप्पे में ढूंढते फिर रहे थे। फिर अचानक ही वो काली दादा के आदमियों की नजर में आ गया। वो रहा साला, हुलिया ऐसा बदला हुआ है कि पहचान में ही नहीं आ रहा है। अब कहां बचकर जाएगा हरामी? तभी वहां खड़ा शंकर स्वयं ही बोल पड़ा। हम उसके पीछे लपके, लेकिन वो फिर हमें झांसा देकर निकल गया। पर इस दौरान वो मुझसे टकराया था और अनजाने में उसने जो सबूत हमारे खिलाफ एक पैकेट में पैक करके रखे थे मेरी जेब में डाल दिए थे। घर पहुंचकर जब मैंने उस पैकेट में रखी चीजों की असलियत जानी तो मेरी जान में जान आई। लेकिन दो घंटे बाद ही जब काली दादा ने मुझे ये सूचना दी कि विनोद पांडे को उसके आदमियों ने संजय सलीम के घर के पास मंडराते देखा है, तो मुझे भय हुआ कि कहीं वो संजय सलीम को उस कैसेट और रील के बारे में ना बता चुका हो। इसके लिए मैंने संजय को फोन कर अपने यहाँ बुलवा लिया और फिर ये नकली पैकेट उसे थमा दिया। पर इससे पहले कि वो पैकेट खोलकर देखता, राणा ने पैकेट उसकी जेब से साफ कर दिया। अब ये पैकेट हमारे पास है, संजय सलीम कभी ना जान पाएंगे कि असलियत क्या है। बहुत खूब बॉस, आपने उन जासूस लड़कों को अच्छा उल्लू बनाया। बेचारे इस पैकेट की तलाश में भटकते फिरेंगे। तभी नकाबपोश का चौथा साथी बोला, लेकिन बॉस उस असली कैसेट और रील का आपने क्या किया? वो मेरे पास है। इतना कह नकाबपोश ड्रॉअर से एक दूसरा पैकेट निकालकर टेबल पर रखते हुए बोला, अब तुम लोगों के सामने मैं इन सबूतों को नष्ट कर देता हूं। हाँ बॉस, ये काम तो तुरंत हो जाना चाहिए। तभी संजय रिवॉल्वर ताने कमरे में दाखिल होते हुए गरजा, खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो बेमौत मारा जाएगा। ओह, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? तब संजय वहां तक पहुंचने का वृतांत सुनाने के बाद बोला, तुम नर्क के ठेकेदारों का खेल समाप्त हो चुका है डॉक्टर मलकानी। ओह, तो तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, अब तुम बच नहीं सकते। ये तुम्हारी भूल है संजय, तुम और तुम्हारा कानून मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। कहने के साथ ही नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब उतार दी। फिर बोला, तुम यहां आ तो गए हो पर जा नहीं पाओगे। तभी इंस्पेक्टर डंडाराम सलीम और सशस्त्र सिपाहियों के साथ हॉल में दाखिल होते हुए गरजा, घबराना नहीं संजय बेटे, मैं आ गया हूं। दूसरे पल इंस्पेक्टर डंडाराम ने सिपाहियों को आदेश दिया, पहना दो सालों को हथकड़ियां, कोई भागने की कोशिश करे तो गोली मार दो। यस सर। और फिर सिपाहियों ने डॉक्टर मलकानी और उसके साथियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। इस बीच इंस्पेक्टर डंडाराम उन सबूतों को भी अपने कब्जे में ले चुका था जो अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। तत्पश्चात इंस्पेक्टर डंडाराम कैदियों को लेकर थाने के लिए रवाना हो गया। तब संजय सलीम भी वहां से चल दिए। उसी रात डंडाराम की सूचना पर नेशनल पार्क में बिछे बारूद को सावधानी पूर्वक वहां से हटा दिया गया और वहां सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। इस तरह संजय सलीम की बुद्धिमता व बहादुरी से एक दुर्घटना होने से टल गई। समाप्त। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी नरक के ठेकेदार कॉमिक्स। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।